हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कैम्प्स कंपनी की। दोस्तों, यहाँ पे कैम्प्स वही कंपनी है जो आरटीएस यानी रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट की बात करें तो उसमें मार्केट शेयर इसका सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कैम्प्स का। दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट स्टॉक अपडेट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाला आइकन यहाँ पे दबा दें जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो लेटेस्ट अपडेट जो वीडियोस होता है, जो रिसेंट पोस्ट किया हुआ रहता है, आप लेटेस्ट में सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे सारा वीडियोस अपलोड किया जाता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉपुलर के अंदर यहाँ पे आपको पॉपुलर जो वीडियोस होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पे ओल्ड वीडियोस आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कंपनियों का जो पूरी डिटेल्स के साथ एनालिसिस भी हमारा कई सारे वीडियोस का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे ये तो मैं बात हो गई चैनल की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैम्प्स कंपनी की। आज के डेट में 3.13% की तेजी देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। बीते 5 डेज के अंदर 2.71% की तेजी देखने को मिल चुका है। एक महीने की अगर हम बात करें तो 7% की रैली देखने को मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक महीने के अंदर अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुका है कैम्प्स के अंदर। 6 मंथ की बात करें तो 37% की रैली देखने को मिला है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये 5 ईयर्स में स्टॉक 173% का रिटर्न दिया, बहुत शानदार रिटर्न देता हुआ नजर आया है। 1 साल के अंदर अंदर 70% का रिटर्न देता हुआ नजर आता है ये स्टॉक कैम्प्स। कैम्प्स के पहले भी मैंने वीडियोस बनाया था, उसमें भी सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स आपके साथ साझा किया था। उस टाइम पे अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप इस चीज़ को फॉलो किए होंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे कैम्प्स की अगर हम बात करें तो इनकी फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर एजेंसीज के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज आपको देखने को मिलता है। इसके एक तरह से हम कहें तो ऐसी कंपनियों को आरटीएस कंपनीज बोला जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी की जो अभी तक अगर हम बात करें इस कंपनी की खास करके, तो कैम्प्स की एक तरह से लार्जेस्ट रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है। जो खास करके अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की इसमें 69% का इनका शेयर्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे बेसिकली अपने इन्वेस्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज से, एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी काम करती हुई नजर आती है। दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी के अंदर कंटिन्यू इंस्टीट्यूशंस है जो बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे इक्विटी एयूएम के अंदर अगर हम बात करें तो इस कंपनी का 50% ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे रजिस्टर, यहाँ पे ये सारी चीजें 69% आप देख सकते हैं कि इनके पास एक तरह से म्यूचुअल फंड्स की मार्केट शेयर है, जो एक बड़ा एक तरह से मार्केट लीडर है ये कंपनी, खास करके अगर हम अभी के टाइम पे बोले तो। और स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ देखने को मिल रहा है एक्सपेक्टेड एक तरह से इस कंपनी के आने वाले टाइम में भी। और यहाँ पे निगेटिव एक कंसर्न यहाँ पे है कि एक तरह से बजट जब आने वाला होगा तो यहाँ पे इस कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, क्या कंपनी अनाउंसमेंट करती है इस कंपनियों से रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न अभी भी बना हुआ है। लेकिन चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी की फंडामेंटल की और देखते हैं कंपनी अभी के टाइम पे इस कंपनी के अंदर एंट्री करने का मौका है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक टाइम पे देखोगे तो कंपनी का जो मार्केट का फिलहाल देखने को मिल रहा है 17,987 करोड़ का है और स्टॉक का पी 53 पे है। यहाँ पे बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 186 रुपये का बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक देती हुई नजर आती है, 1.29% डिविडेंड देती है। लेकिन सबसे अच्छा चीज इस कंपनी के अंदर जो लगता है हमें, यहाँ पे कंपनी का ROCE और ROE, ये दोनों चीज़ें कंपनी का काफ़ी शानदार है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी अगर हम बात करें तो 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 39% का है। ये दोनों औसम है दोस्तों। और यहाँ पे कंपनी के अभी के टाइम पे अगर हम देखें फेस वैल्यू भी पर शेयर के हिसाब से 10 रुपये ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे चल के कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट भी कर सकती है इन फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे EPS अभी 72 रुपया देखने को मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी भी कंपनी का बहुत कम है। तो पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं।
डेप्ट की बात करें तो 96 करोड़ की यहाँ पे है, और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जीरो है दोस्तों। यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रखे हुए हैं, जो एक बड़ा निगेटिव कंसर्न, जो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे एक निगेटिव कंसर्न मुझे दिख रहा है। और दूसरी जो यहाँ पे एक तरह से अगर हम बात करें तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है 186 रुपया का है, और ये बुक वैल्यू से कई गुना ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम अभी के टाइम पे रिजर्व देखें तो 865 करोड़ कंपनी के पास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44% का, तो बहुत अच्छा मार्जिन देखने को मिलता है इस कंपनी के अंदर। पेट्रोस्केस की ओर की देखें तो 7 की रेटिंग यहाँ पे देखने को मिला है अभी के टाइम पे। आगे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो कंपनी का ग्रोथ है चार्ट में आपको किस तरीके से दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से बढ़ने वाला है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कंपनी का Q4 क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है दोस्तों, 49 करोड़ से सेल्स बढ़ के यहाँ पे 310 करोड़ हो गया, 249 से 310, तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 109 करोड़ से कंपनी का जो एक तरह से प्रॉफिट बढ़ के 143 करोड़ होता हुआ नजर आया, 44% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के 46% हो गया, तो कंपनी का मार्जिन है जो एक तरह से कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी का प्रॉफिट भी 74 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ को कंपनी ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट ही है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाहते हैं आपको यहाँ पे कि बड़े इंस्टीट्यूशंस में FIIs हैं जो कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं दोस्तों, बड़ी खरीदारी करती हुई नजर आ रही है बड़े इंस्टीट्यूशंस FIIs एंड DIIs यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली करते हुए नजर जरूर आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग ही यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड है यानी CAMS, जो आने वाले समय में अभी ये 5000 रुपया बहुत जल्द क्रॉस कर सकता है। इस कंपनी की बैलेंस शीट पे नजर डालेंगे तो कंपनी जिस लेवल की उस लेवल से कंपनी का बैलेंस शीट भी शानदार नजर आता है। कंपनी के 49 करोड़ की यहाँ पे इक्विटी कैपिटल है, 865 करोड़ यहाँ पे रिजर्व्स है कंपनी का, और 96 करोड़ बोरोइंग देखने को मिलता है। कंपनी की जो CWIP में भी वर्क देखने को मिल रहा है 13 करोड़ का, और कंपनी के जो टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है ये दोनों चीजें कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 1413 करोड़ यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स हो रखा है कंपनी का। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कंपनी करती हुई नजर आ रही है, तो वन ऑफ द लीडर कह सकते हैं, मार्केट लीडर कह सकते हैं अपने सेक्टर्स का CAMS की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे CAMS पे अगर आप देखोगे तो CAMS भी यहाँ पे RTA कंपनी में आती है नाम इस कंपनी की, और यहाँ पे अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे प्रॉस बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर दोस्तों। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हमारे तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।